लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ नायका सेल रिकमेंडेशंस। मैं भूल गई थी मुझे क्या कहना है। इट्स आई थिंक नायका समर सुपर सेवर डेज आर गोइंग ऑन। सो आप अमेजोन से भी शॉप कर सकते हो बिकॉज अमेजोन पे भी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स लगे हुए हैं। सो इवन ऑन नायका एंड इवन ऑन अमेजोन आप फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स। बट जो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है वो मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी। हर एक कैटेगरी में सभी प्रोडक्ट्स मैंने नहीं डाले इस वीडियो में। सभी के सभी प्रोडक्ट्स मेरे फेवरेट हैं और इन सभी प्रोडक्ट्स को अपनी हर एक मेकअप लुक में यूज़ करती हूँ ताकि रोटेट होते रहे सारे के सारे प्रोडक्ट्स। सो ऑल द प्रोडक्ट्स आर हाईली रिकमेंड फ्रॉम माय साइड। और आप इन प्रोडक्ट्स का रिव्यू मेरे चैनल पर जरूर चेकआउट कीजिएगा बिकॉज दीज प्रोडक्ट्स आर सो गुड। सो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक या दो हाई एंड प्रोडक्ट्स मिलेंगे, दैट इज जस्ट आई शैडो पायर। और कोई भी मेरे पास हाई एंड प्रोडक्ट नहीं है। तो सभी के सभी बाकी प्रोडक्ट्स होंगे वो अंडर 300, 400, 500 होंगे। सो अगर आप एक अफोर्डेबल मेकअप किट बनाना चाहते हो सो ये प्रोडक्ट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। सो इन सभी प्रोडक्ट्स को आप अपने आईज पे, लिप्स पे, फेस पे आप यूज़ कर सकते हो बिकॉज दीज प्रोडक्ट्स आर सो गुड और काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स पे अवेलेबल हैं सभी जगह पे। मेक श्योर जब आप इन्हें सेल से परचेज करो तो मेक श्योर कि आप इन सभी प्रोडक्ट्स को सेल में परचेज कीजिएगा, ठीक है। सो आई जस्ट लव ऑल द प्रोडक्ट्स, बहुत अच्छे हैं। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कुछ चाहते हो तो वो भी मेरे पास रिकमेंडेशंस हैं। सो बी श्योर इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा एंड इफ़ यू वॉन्ट टू नो दिस मेकअप लुक, आई नो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो मेकअप लुक कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मोस्ट ऑफ इन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज़ करके मैंने मेकअप लुक अचीव किया है। थोड़े बहुत हैं, ज़्यादा नहीं यूज़ किए मैंने। सो ये मेकअप लुक भी अबाउट अंडर 300-400 है। सो मेक श्योर टू चेक इट आउट एंड आई जस्ट लव द हाइलाइटर। सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अगर आप चाहते हो कि मैंने कौन से प्रोडक्ट्स आपके लिए चूज़ किए हैं फ्रॉम माई वैनिटी, then please keep on watching. Okay, so let's start off. So सबसे पहले मैं आपको recommend करूँगी ब्यूटी स्पॉन्ज। सो ब्यूटी स्पॉन्ज के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही ब्यूटी ब्लेंडर जो मैं अपनी हर एक वीडियो में यूज़ करती हूँ, दैट इज़ दिस मार्स ब्यूटी ब्लेंडर। ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। इट इज़ जस्ट अंडर ₹300। इसके साथ आपको बहुत ही अच्छा फ्लॉलेस बेस मिल रहा है, कैन डेफिनेटली सी। ज़्यादा केकी नहीं लगता, ये ज़्यादा प्रोडक्ट ऑब्जॉर्ब भी नहीं करता। सो दैट इज़ वाई आई हाईली रिकमेंड दिस वन। सो फॉर मस्कारा, मस्कारा के लिए आई ऑलवेज रिकमेंड दिस मार्स का मस्कारा बिकॉज दिस इज सो गुड। इस वीडियो में ना इस मेकअप लुक को मैंने आपको एक क्लोजअप करके दिखाया इस मस्कारे का। सो मेक श्योर टू चेक इट आउट। और ये इतना अच्छा है ना, इतना सेक्सी फीलिंग आती है ना इसको यूज़ करके, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। इसका वॉन्ड इज सो फैटी कि आपकी जो आईज हैं वो एकदम वॉल्यूमनेस लगते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा वॉल्यूमनेस लगती है, ज़्यादा लाइटनिंग आपके आई लैशेज को मिलती हैं इसके साथ। तो डेफिनेटली आई रिकमेंड दिस वन, आई हाईली हाईली रिकमेंड दिस वन। इफ़ यू आर अ बिगनर एंड इफ़ यू आर अ ब्राइट टू बी, यू कैन डेफिनेटली चेक दिस वन। ये बहुत ही अच्छा है। अगर आपके मस्कारास कभी सूख जाते हैं तो आप उसमें लेंस वाटर ऐड करके उन्हें रिवाइव कर सकते हो। सो दैट इज़ वट आई डू विद दिस। सो फॉर आई लाइनर, आई लाइनर के लिए मेरे पास कुछ खास रिकमेंडेशंस नहीं है बिकॉज आई जस्ट डोंट यूज़ हाई एंड आई लाइनर्स, ठीक है। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो मैंने एक आई लाइनर आपको मैं हमेशा रिकमेंड करूँगी विच इज़ नॉट दैट मच सुपर लॉन्ग लास्टिंग और समर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, विंटर्स के लिए इट इज़ गुड। बट अगर आप एक यूट्यूबर हो और आप रोज़ाना मेकअप वेयर नहीं करते, सिर्फ वीडियोज़ के लिए एक अच्छा आई लाइनर चाहिए, एक ब्रश टिप वाला। सो स्पॉन्ज एप्लीकेटर मैं आपको रिकमेंड नहीं करती बिकॉज वो सारा का सारा प्रोडक्ट आपका सोक कर लेता है। सो दैट इज़ वाई आई ऑलवेज रिकमेंड अ ब्रश टिप आई लाइनर्स। सो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी यहाँ पे दिस ब्लू हेवन आई लाइनर। ये बहुत ही अच्छा है, आपको 75 या 80 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, डिस्काउंट्स में आपको बहुत अच्छा ये मिल जाएगा। और ये काफ़ी अच्छे से ब्लेंड होता है, एक स्मोकी लुक के लिए बहुत अच्छा है ये। और एक विंग आई लाइनर के लिए काफ़ी अच्छा है। आई लव दिस वन, हाई रिकमेंड दिस वन। सो फाउंडेशंस के लिए मेरे पास यहाँ पे कोई 3 रिकमेंडेशंस हैं। फाउंडेशंस के लिए आई हैव 3 रिकमेंडेशंस। सो या द फर्स्ट वन आई वुड लव टू टॉक अबाउट दिस मार्स की बीबी क्रीम। मोस्टली आपको मार्स के प्रोडक्ट्स जरूर देखें बिकॉज दोज आर सो गुड। मार्स इज लाइक डूइंग सो गुड, लाइक आई एम लविंग इट। दिस बेबी क्रीम इज हाईली रिकमेंड। मेरा जो शेड है इसमें दैट इज
सो आई एम इन द शेड नंबर फेयर, सो यू कैन डेफिनेटली चेक दिस वन. ये मेरी स्किन पे एकदम से मक्खन की तरह यू नो ग्लाइड होता है और इसकी थोड़ी बहुत कवरेज भी है. इसे एज टिंट भी यूज़ कर सकते हो और मॉइस्चराइजर में मिला के भी आप इसे रोजाना अपने फेस पे यूज़ कर सकते हो. दिस इज सो गुड, ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है यू नो, मतलब ऑल स्किन टाइप को ये सूट करेगा. सो आई रिकमेंड दिस वन. सो नेक्स्ट फाउंडेशन इज फॉर ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन. सो दिस इज द मार्स ब्लॉसम फाउंडेशन. ओ माई गॉड यू गाइस, इसकी फिनिश इज सो स्किन लाइक, बिकॉज ये इतनी बढ़िया फाउंडेशन है, इतनी ज़्यादा बढ़िया इसकी जो फिनिश है, दैट इज सो स्किन लाइक. आपको लगता नहीं है कि आपने कोई फाउंडेशन अपने फेस पे लगाया हुआ है. सो इट इज सो लाइट वेट, इट इज सो हाई कवरेज. आई एम लविंग दिस एंड आई एम द शेड नंबर 03 वॉर्म न्यूड. ये एकदम से मेरी स्किन पे मैच होता है. ऑब्वियसली यहाँ पे काफ़ी लाइट लग रहा है बिकॉज ऑफ द लाइटनिंग, बट स्टिल इट इज सो गुड. हाई रिकमेंड दिस वन, आई एम लविंग. और ये काफ़ी ज़्यादा यू नो छोनू अमाउंट में और ये काफ़ी थोड़ी अमाउंट लगती है इसकी, सो दैट इज़ वाई आपको ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा यू नो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा. सो हाई रिकमेंड दिस वन अगर आपकी ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन है. सो आपको मैं यहाँ पे और दो फाउंडेशंस रेकमेंड करूँगी, विच इज़ दिस वन. ये ऑल स्किन टाइप को सूट करेगी. दिस इज़ द इनसाइड कॉस्मेटिक्स की अल्ट्रा स्किन वाटरप्रूफ फाउंडेशन. दिस इज सो गुड. आपको शीयर टू मीडियम कवरेज मिलेगी. मैं इसे थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करती हूँ. इट इज़ परफेक्ट फॉर माई स्किन टोन बिकॉज मेरी स्किन जो है वो थोड़ी सी येलो अंडरटोन है. सो मेरा जो शेड है इसमें, दैट इज़ 01 गोल्डन हनी. सो ये अबाउट आपको 180-120 रुपीज में आपको मिल जाएगी. आई लव दिस फाउंडेशन सो मच. ये इतनी बढ़िया फाउंडेशन है. आई विल ऑलवेज रीपर्चेज दिस वन बिकॉज इट इज दैट गुड. ये ड्राई स्किन को भी अच्छी लगेगी, ये ऑली स्किन को भी अच्छी लगेगी, कॉम्बिनेशन स्किन को भी काफ़ी अच्छी लगेगी. सो डेफिनेटली चेक दिस वन. सो नेक्स्ट मैं ऑयली स्किन के लिए रेकमेंड करूँगी दिस मूज फाउंडेशन. ये काफ़ी ज़्यादा मैट है. सो आज मैंने इसे यूज़ किया है. इट इज़ सो मैट कि इतनी ज़्यादा मैटिफाइंग है कि मैं क्या बताऊँ. इसमें अच्छी खासी कवरेज है. अगर आप इसे ब्रश के साथ ब्लेंड करोगे तो आपको अच्छी कवरेज मिलेगी. ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करोगे तो भी आपको शेयर कवरेज मिलेगी. मैं आपको रेकमेंड करूँगी इसे अपने हाथ से ब्लेंड कीजिए. जब आप अपने हाथ से इसे ब्लेंड करते हो तो ये थोड़ी सी वार्म अप हो जाती है, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छी कवरेज मिलती है. सो दैट इज़ वाई आई हाईली रिकमेंड दिस वन एंड आई एम लविंग नो दिस फाउंडेशन. और मेरी सेपरेट वीडियो भी है इसके ऊपर, सो डेफिनेटली चेक दैट आउट. और मेरा जो शेड है, दैट इज़ अ 04 नेचुरल न्यूड. ये थोड़ा सा डार्क है. सो अगर आप मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क हो तो आप इसे 04 नेचुरल न्यूड आप यूज़ कर सकते हो. मीडियम टू टैन स्किन भी इसे यूज़ कर सकते हैं. लाइक दिस शेड इज सो गुड. अगर आप मुझसे फेयर हो तो यू कैन डेफिनेटली गो विद द 03 और 02. ओके, आई एम लविंग दिस फाउंडेशन. हाईली रिकमेंड दिस वन. और इसे भी मैं अपनी ब्राइडल मेकअप किट में ज़रूर यूज़ करूँगी. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंसीलर. सो मेरे पास यहाँ पे कंसीलर के लिए सिर्फ एक ही रिकमेंडेशन है. दिस इज़ द इनसाइड HD लॉन्ग वेयर कंसीलर एंड आई एम द शेड नंबर LN10. एंड दिस कंसीलर इज सो गॉर्जियस. बट यू नो एक ही कॉन है इसमें. इसमें ना गैप्स बहुत जल्दी दिखने लग जाते हैं. आई डोंट नो, इट इज़ नॉट अ इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट. बट आप कभी कभी यूज़ करने के लिए कुछ चाहते हो, इफ़ यू डोंट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ फाउंडेशन, यू कैन यूज़ दिस वन बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा शेयर कवरेज, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा मैटिफाइंग है. इट इज़ गुड फॉर कॉम्बिनेशन स्किन, इट इज़ गुड फॉर ऑयली स्किन. और ये काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सेटिंग कंसीलर है एंड इट इज़ हाई कवरेज. इसका वॉन्ड बहुत अच्छा, यू कैन डेफिनेटली सी. मैंने इसे अपने पूरे फेस पे यूज़ किया. आई एम लविंग दिस सो मच एंड हाई रिकमेंड दिस वन. वॉन्ड काफ़ी अच्छा है इसका. इट इज़ वेरी हाइड्रेटिंग एंड आई एम लविंग दिस वन. सो गुड, गॉट अ जस्ट प्रोडक्ट. डेफिनेटली चेक दिस वन. तो नेक्स्ट मैं आपको रेकमेंड करूँगी दिस टेक अ ग्लो प्राइमर फ्रॉम मार्स कॉस्मेटिक्स. इट इज़ नॉट अ प्राइमर एट ऑल. ये एक ना आपको एक यू नो एक ल्यूमिनस बेस देता है. इफ़ यू हैव अ ड्राई स्किन डेफिनेटली चेक दिस वन. इसमें कोई भी ग्लिटर चंक्स नहीं है, कोई भी ग्लिटर पार्टिकल्स नहीं है और ये काफ़ी अच्छा है. सो मेरा रिव्यू है इसके ऊपर मेरे चैनल पे, आप चेकआउट कर सकते हो. दिस इज सो गुड एंड ये किसी हाई एंड से कम नहीं. जस्ट लुक एट द पैकेजिंग, आई लव द पैकेजिंग. और जो मेरा जो शेड है, दैट इज़ 01 मून ग्लो. आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही शेड चूज कीजिएगा. अगर आप एक ल्यूमिनस बेस चाहते हो, अगर आपको लिक्विड हाइलाइटर्स पसंद है, यू कैन डेफिनेटली चेक दिस वन. ये बहुत ही अमेजिंग है, लव इट.
सो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट यू नो लिपस्टिक्स. लिपस्टिक्स में मेरे पास सिर्फ 3 रिकमेंडेशंस हैं. सो फर्स्ट वन इज दिस कलर. दिस इज फ्रॉम द ब्रांड एली अटेन लिक्विड लिप कलर. सो ये काफ़ी ज़्यादा यू नो मैटिफाइंग है और ये काफ़ी ज़्यादा शेयर कवरेज है, तो आप इसे एज टिंट भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज दिस इज सो गुड. मैंने एक मेकअप लुक किया था इसके साथ, सो मैं आपको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी पिक्चर, सो यू कैन डेफिनेटली चेक दैट. बट आई एम लविंग दिस कंसीलर. आई एम लविंग दिस प्रोडक्ट, यू नो आई एम ब्लोन अवे. इसको ज़्यादा हाई पिगमेंटेड यू नो लिपस्टिक्स नहीं पसंद वो ये ट्राई कर सकते हैं बिकॉज दिस इज सो गुड. सो गॉर्जियस शेड्स, इतनी ज़्यादा इसमें शेड्स अवेलेबल हैं. मीडियम टैन, डस्की, डीप, यू नो सभी स्किन टोन्स इसे यूज़ कर सकते हैं. डेफिनेटली चेक दिस वन एंड आई एम लविंग इट. और मेरा जो शेड है दैट इज लाइलैक गैलेक्सी. आई लव दिस शेड सो मच. मैं आपको यहाँ पे यू नो रील वगैरह सारा कुछ आपको मैंशन कर दूँगी. यू कैन डेफिनेटली चेक दैट. ये इतना अमेजिंग कलर, इतना अमेजिंग कलर लगता है यू नो मेरी स्किन टोन पे. डेफिनेटली चेक दिस वन. नेक्स्ट जो शेड है जो मैंने अप्लाई किया दैट इज़ फ्रॉम NYX सॉफ्ट मैट लिप क्रीम. एंड जो मेरा जो शेड है आई थिंक दैट इज आई डोंट नो वेयर इज शेड. सो आप ये ब्राउन शेड जरूर चेकआउट कीजिएगा बिकॉज दिस इज सो गुड. पैकेजिंग में काफ़ी ज़्यादा डार्क नजर आता है बट स्टिल ये काफ़ी ज़्यादा लाइट शेड है. आई रिकमेंड दिस शेड सो मच. ये इतना ज़्यादा मतलब आई लव ब्राउन सो मच. मेरे पास ब्राउन्स की काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है. MLBB शेड्स भी है मेरे पास. इफ़ यू वॉन्ट टू नो माई यू नो ब्राउन लिपस्टिक्स कलेक्शन देन डू लेट मी नो इन टू माई कमेंट बॉक्स. आई लव टू मेक दैट वीडियो. ओके आप जरूर चेकआउट कीजिएगा. आई एम ऑब्सेस्ड विद ब्राउन लिपस्टिक्स, मतलब मुझे बहुत पसंद है. सो नेक्स्ट जो मेरी रिकमेंडेशन है दैट इज़ द स्विस ब्यूटी लिक्विड लिपस्टिक. यू कैन डेफिनेटली सी मैं इसे कितना ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ और काफ़ी कम प्रोडक्ट रहता है इसमें. एंड दिस इज़ द N05 कैफे. एक थोड़ा सा ना यू नो ऑरेंज अंडरटोन यू नो लिपस्टिक है. ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है मेरी स्किन टोन पे. अगर आपने मेरा प्रोजेक्ट पैन वीडियो नहीं देखा सो डू चेक इट आउट. उससे मैंने ये लिपस्टिक वेयर की हुई है. सो आई जस्ट लव दिस लिपस्टिक सो मच. ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है यू नो समर्स के लिए काफ़ी अच्छा है. इट इज़ मास्क प्रूफ, इट इज़ सुपर लॉन्ग लास्टिंग, इट इज़ नॉन ड्राइंग एंड यू कैन डेफिनेटली चेक दिस वन. ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर द लिपस्टिक्स. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आई शेडोज. अब सभी रिकमेंडेशंस आई शेडोज के लिए हैं. सबसे पहले तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी अगर आप एक यू नो यूट्यूबर हो और आप एक कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ चाहते हो और आप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो, यू कैन डेफिनेटली चेक दिस वन. दिस इज द कलर ब्रॉड आई शेडो पैलेट. इसे मैंने 1500 रुपीज़ का लिया था फ्रॉम कफ्स एंड लैशेज. तो आप नायका पे भी इसे सर्च कर सकते हो बिकॉज नायका पे ही अवेलेबल होती है. सो आई जस्ट लव दिस वन. यू कैन डेफिनेटली सी आपको कितने सारे यू नो पैलेट्स मिल जाते हैं और ये काफ़ी बड़ी आई शेडो पैलेट है. यू कैन डेफिनेटली सी और आपको बहुत कुछ मिल जाता है इसमें. लाइक इवन द ग्लिटर शिमर्स मैट्स एंड दे आर सुप्रीमली पिगमेंटेड. यू कैन डेफिनेटली सी ऑन माई आईज. यही आई शेडो पैलेट मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ अपने कलरफुल लुक्स को यू नो क्रिएट करने में बिकॉज मेरे पास सिर्फ यही एक आई शेडो पैलेट है जो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल है. सो आई हाईली रिकमेंड दिस वन. आप मार्स की भी ले सकते हो. सो नेक्स्ट अगर आप आप वो वाली आई शेडो पैलेट एक प्रोफेशनल यूज़ के लिए भी ले सकते हो. बट जो अगली जो मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगी अगर आप एक बिगनर हो, आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ चाहिए, ढेर सारे कलर्स हो उसमें और आप सिर्फ अपने लिए कुछ मेकअप लुक्स क्रिएट करना चाहते हो, अगर आप सिर्फ मेकअप में यू नो यू आर बिगनर टू अ मेकअप लाइन, सो मेक श्योर टू चेक दिस वन. ठीक है, सो दिस इज़ द स्विस ब्यूटी मेकअप प्रो आई शेडो पैलेट. इसका भी रिव्यू मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है एंड इसके स्वाचेस भी है मेरे पास. यू नो वीडियो मैंने आपको लिंक नीचे कर दूंगी. सो यू कैन डेफिनेटली चेक दिस वन. सो आई जस्ट लव दिस वन. और ये मुझसे टूट चुके हैं सो दैट इज वाई आई एम नॉट ओपनिंग द आई शेडो पैलेट. बट दिस इज एन अमेजिंग आई शेडो पैलेट. आप देख सकते हो इसमें कितने सारे कलर्स हैं. डेफिनेटली सी इसमें कितने सारे कलर्स हैं. और ये इतनी बढ़िया आई शेडो पैलेट है. इसकी जो पिगमेंटेशन है दैट इज टू मच टू डाई फॉर. आई लव दिस वन. इसके शिमर्स भी काफ़ी अच्छे हैं एंड आई ऑलमोस्ट हिट द पैन ऑन दिस शेड. यू कैन डेफिनेटली सी एंड काफ़ी अच्छी पैलेट है. आप इसे कस्टमर्स पे भी यूज़ कर सकते हो बिकॉज द शिमर्स आर वेरी पिगमेंटेड. इवन द बाकी जो शेड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है. आई हाई रिकमेंड दिस वन.
सो नेक्स्ट मैं आपको रेकमेंड करूंगी, अगर आप एक न्यूट लवर लाइक मॉव न्यूट कलर्स अगर आप अपने यू नो ब्राइडल मेकअप ट्रिक में चाहते हो या आपको रोजाना आपको मॉव न्यूट शेड्स अप्लाई करना पसंद है, सो यू कैन डेफिनेटली चेक दिस वन. दिस इज द मार्स शैडो पार्लर आई शैडो पार्लर और ये इतनी अमेजिंग आई शैडो पार्लर में कि मैं क्या बताऊँ. दिस इज सो गॉर्जियस पार्लर, यू कैन डेफिनेटली सी यू नो आई लव दिस पार्लर. और मैं इसका जो ये बीच वाला शेड है ना मैं इसे काफ़ी बार यूज़ कर सकती हूँ और ये जो बीच वाला शेड है मैं इसे काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ. आई जस्ट लव द ग्लिटर्स एंड आई लव ऑल द कलर स्टोरी, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है. आई जस्ट लव इट सो मच. इसमें आपको एक कॉन्टोर शेड भी मिलता है, एक हाइलाइटर शेड भी मिलता है, दो ब्लशर्स भी मिलते हैं जो कि मीडियम स्किन टोन के ऊपर काफ़ी अच्छे लगेंगे बिकॉज दीज आर नॉट दैट मच पिगमेंटेड. आप मिक्स एंड मैच करके यू कैन डेफिनेटली मेक योर ओन शेड ब्लश शेड. सो डेफिनेटली रिकमेंड दिस वन बिकॉज इसकी जो पिगमेंटेशन है दैट इज़ अमेजिंग. और जिस वीडियो में मैंने इसे यूज़ किया है वो भी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है, डेफिनेटली चेक दैट आउट. ओके सो हाई इम्प्रेस्ड विद दिस वन. आई शेडो पैलेट मैं आपको रेकमेंड करूँगी अगर आप एक बिगनर हो और आप एक अच्छी कलरफुल आई शेडो पैलेट चाहिए. इफ़ यू डोंट वॉन्ट दैट ब्यूटी ग्लेस आई शेडो पैलेट यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट ऑन दिस वन. आप ये दो ले लो, आपका यू नो काम बन जाएगा, यू कैन यू आर सॉर्टेड. सो दिस इज द मार्स की आई शेडो पैलेट. आप देख सकते हो उसमें कितने सारे कलर्स हैं और सभी के सभी कलर्स आर लाइक सुप्रीमली हॉट एंड पिगमेंटेड. आई एम लविंग दिस आई शेडो पैलेट, डेफिनेटली रेकमेंड दिस वन. ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है, अबाउट 400 rupees का आपको मिल जाएगी, डिस्काउंट पे आपको और ज़्यादा कम रेट में मिल जाएगी. डेफिनेटली चेक दिस वन, लविंग इट. सो आई शेडो पैलेट है वो भी मैं आपको रेकमेंड करूँगी अगर आप एक न्यूट्रल लवर हो और आपको एक न्यूट्रल शेड्स पसंद है रोज़ाना वेयर करने के लिए. सो जिसमें आपका कॉन्टोर भी हो जाए, हाईलाइट भी हो जाए, सब कुछ हो जाए. सो डेफिनेटली चेक दिस वन. दिस इज द मेकअप रेवोल्यूशन, मेकअप रेवोल्यूशन लंदन आई शेडो पार्लर. यू कैन डेफिनेटली सी इसमें कितने सारे वॉर्म न्यूट्रल्स हैं एंड जस्ट लुक एट द कलर स्टोरी. जस्ट से यू नो काफ़ी सारे लुक्स क्रिएट कर सकते हो, आपको काफ़ी सारे यू नो शिमर्स मिल जाते हैं. बेसिकली इट्स अ शिमर आई शेडो पार्लर, इसमें कोई भी आपको मैट शेड्स नहीं मिलते. सो जस्ट लुक एट दिस कलर राइट हियर, दैट इज़ सो गुड. मैंने इसको अभी तक स्वॉच भी नहीं किया, बस मैंने एक शेड स्वॉच किया था विच इज़ this and this one. So बाकी सभी shades untouched हैं. I just love 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 the colors. आपको सिर्फ एक matte shade मिलता है इसमें, which is this one. ये काफ़ी अच्छा shade है और ऐसे shades को मैं रोज़ाना wear करना पसंद करती हूँ. So अगर आप एक neutral eye shadow lover हो so you can definitely check it. अगर आप चाहते हो कि आपके जो black shade है उसमें ज़्यादा यू नो glitters हो, night parties के लिए काफ़ी अच्छा color है. So you can definitely check this one. सो लास्ट रिकमेंडेशन ऑफ दिस हॉल इज़ यू नो एक हाई एंड स्टफ जो मैं आपको बोला था. दिस इज़ मेकअप रेवोल्यूशन की मास्टर्ड रिलोडेड आई शेडो पैलेट. सो बेसिकली इट्स अ गिफ्ट. सो अगर देखा जाए तो इसमें आपका ब्लश का भी काम हो जाता है, इसमें आपको यू नो हाइलाइटर्स भी मिलते हैं सभी स्किन टोन्स के लिए, ठीक है, और ब्लशर्स ब्रॉन्जर्स हाइलाइटर्स आई शेडोज की तरह भी आप इसे यूज़ कर सकते हो. यू नो दिस पैलेट इज़ ऑल इन वन. सो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँ कि आप इसे ज़रूर परचेज कीजिएगा. और मैं इसे काफ़ी बार यूज़ कर चुकी हूँ एंड ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा यूजेज शो नहीं हो रही बिकॉज द पैन्स आर ह्यूज एंड आई फील कि काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल पैलेट है, काफ़ी अच्छी बिगिनर फ्रेंडली भी है. इफ़ यू कैन इन्वेस्ट इन सच आई शेडो पैलेट यू कैन डेफिनेटली चेक इट बिकॉज दिस इज द पैलेट विच आई ऑलवेज रिकमेंड टू बिगिनर्स. अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो नो फॉर योर प्रैक्टिस यू कैन डेफिनेटली चेक दिस वन. सो या दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो. आई होप ये वीडियो सो या दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो. आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो सो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल एंड प्लीज़ लेट मी नो कि आपको ये रिकमेंडेशन वीडियो कैसी लगी. अगर आप एक स्किन केयर रिकमेंडेशन देखना चाहते हो या कभी भी सेल आए या उससे पहले भी मैं अपलोड कर सकती हूँ. सो यू कैन डेफिनेटली कमेंट मी डाउन कि आपको रिकमेंडेशन वीडियो चाहिए और मेकअप प्रोडक्ट्स ही, बिकॉज मेरे पास और भी रिकमेंडेशन है बट आई थॉट कि इतने प्रोडक्ट्स काफ़ी हैं. सो बिकॉज इतने काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स हैं. सो बी श्योर टू चेक out my more and more makeup looks video and yeah till then take care bye.